नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने कल नोटिफिकेशन वीडियो में आप लोग से प्रॉमिस किया था कि व्यापम के ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री का तैयारी के ऊपर वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए अगले आने वाले 30 दिन के लिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज आपके इंक्रीज हो जाएँ, बढ़ जाएँ सिलेक्शन होने के। इस वीडियो में जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा वो ये हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो लास्ट ईयर फॉर्म भरे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, और कितने बच्चे अपीयर हुए थे, साथ में कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर, कितनी पोस्ट के लिए विज्ञापन आया था, उसका हम कंपेरिजन करेंगे इस साल से कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, साथ में हर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कैसी कमांड होनी चाहिए, कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो एक ये कंप्लीट पैकेज है इन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, अगर आप इसका फॉर्म डालने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके, बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट ईयर के एनालिसिस के ऊपर। आप देख सकते हैं सभी एग्जाम का एनालिसिस मेरे पास है यहाँ पास, और ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री का ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट ईयर बच्चों ने फॉर्म डाला था, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो 13,543 बच्चों ने फॉर्म डाला था, ठीक है, 13,543 स्टूडेंट्स ने यहाँ पास फॉर्म डाला था, जो आपको बहुत कम लग रहा होगा और है भी बहुत कम दोस्तों। साथ में 11,395 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, और 272 पोस्ट के लिए, 272 पदों के लिए ये वैकेंसी आई थी 2017 की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है उसमें। मगर इस साल जो वैकेंसी है, जो पद है, वो है 219, कुछ कम है उनसे, फिर भी कंपटीशन हाई देखने के लिए मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको ये बता दूं कि जो 2017 में ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री के अंदर की वैकेंसी आई थी, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो था वो इतना डिफिकल्ट रखा गया था दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें अपीयर हो ही नहीं सके, फॉर्म ही नहीं फिल कर सके, क्योंकि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी वो, और उसमें कई स्पेशल जो क्वालिफिकेशन होते हैं जैसे डिप्लोमा वगैरह हो गए किसी फील्ड में, साथ में बॉटनी, जूलॉजी, बायो, इन सब का, इन सब को ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंस दी गई थी, इसलिए बच्चे ज़्यादा अपीयर हो नहीं सके। बट इस साल का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है बी, ठीक है, अगर आपने बीटेक किया है तो आप डाल सकते हैं फॉर्म, साथ में बीएससी अगर आपने किया है, और फिजिक्स आपका एक मेन सब्जेक्ट है वहाँ पास, ठीक है, बीएससी में अगर मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स आपका तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो लगभग देखें तो ग्रेजुएशन फील्ड के 70% बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए कॉम्पिटिशन इस बार का जो है इस एग्ज़ाम में बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की जैसे आपको कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, आसपास, उसके बराबर तो नहीं है मगर उससे ज़्यादा कम भी नहीं मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था इस वैकेंसी का, वो हर एक डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई थी, हर मेडिकल कॉलेज के लिए आई थी, तो 136 से लेकर के 156 के बीच में वेरी कर रहा था जनरल मेल का कट ऑफ, ठीक है, मगर इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल सिर्फ तीन ही पोस्ट आपको दी गई हैं, तीन टाइप की पोस्ट दी गई हैं, और आपको मिनिमम 155 प्लस स्कोर करने का तो चलना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप सिलेक्शन क्लियर करना चाहते हैं तो। बट अगर आपका इस मार्क्स से जो मिनिमम मार्क्स मैंने बताया है 155 से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन 100% क्लियर है दोस्तों, क्योंकि व्यापम का नॉर्मलाइजेशन मेथड में देखने के लिए मिला है बाउंड्री लाइन के बच्चे भी सेव नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक पे हमने बात किया कि ये एनालिसिस है एग्जाम का, इस अगर हम 2018 की वैकेंसी से कंपेयर करें तो। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर, सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका 3 घंटे का एक एग्जाम सेशन होगा, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होगा उस पर संबंधित विषय जो भी आपने पोस्ट डाला है पोस्ट कोड 01 के लिए, इन सब्जेक्ट से पेपर आएगा, और पोस्ट कोड 02 और 03 के लिए जो सेकंड नंबर सब्जेक्ट दिए हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिशरीज, इनसे पेपर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे पढ़ाई करें ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पास जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज बहुत
ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है एमपीजी के। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 30 दिन में अगर आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और आप पे का सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है। आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, व्यापम के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, मगर अगर आप इस कॉम्पिटिशन में अभी तक नहीं घुसे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल सब तो मैं नहीं बोलता मगर थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा तैयारी करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एमपीजीके के ऊपर। एमपीजीके की आप अभी तक जो भी बुक यूज कर रहे हैं, चाहे वो पुणेकर हो, चाहे महावीर हो, चाहे टीएमएच हो, कोई भी बुक हो, अरिहंत हो, आप उसी को यूज कीजिएगा। कोई बुक आपको अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फाइनल टच देना है अपनी तैयारी को, रिविजन करना है, ठीक है, बार बार जितनी बार आप कर सकें उस बुक को पढ़ना है, तो आप तैयारी अपनी उस हिसाब से करें। एमपीजीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जीके से तो उनमें से 10 क्वेश्चन आपके होते हैं एमपीजीके से, ठीक है, ये वेटेज है व्यापम के एग्जाम्स में एमपीजीके का। इससे आप समझ चुके होंगे कि आपको इंडिया जीके बिल्कुल लास्ट में देखना है, वो भी जो बेसिक्स हैं सिर्फ उनको, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आपको एक बेसिक अपना फाइनल टच देने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखना है, ठीक है, व्यापम के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं 10 से 15 पेपर आप जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाए। सेकंड पार्ट है सामान्य हिंदी। आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, अरिहंत यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट की कोई और मॉडल आप यूज कर रहे हैं वो भी चल जाएगा, मगर मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो लूसेंट के डॉक्टर अरविंद कुमार जी की बुक है। आप 15 से 20 दिन में इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मोटी बुक है मगर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो आप 15 से 20 दिन में इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं आराम से। तो आप अगर इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस तो जरूर करना है हर एक सेक्शन का दोस्तों, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी व्यापम की जो इंग्लिश है बहुत ही मैं बोलूँगा लो लेवल की आती है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको बेसिक्स रूल पता होने चाहिए जो आपको किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे या तो नेट पे आप सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स और देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर इसमें ज़रूर देखने हैं कि किस तरह से पेपर आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं इंग्लिश के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिलेटेड रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस पेपर जरूर देखिए आप। सामान्य गणित, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। आप कंपटीशन फील्ड में घुसे हुए पहले से या तैयारी कर रहे हो तो आप आर एस अग्रवाल जरूर लगा चुके होंगे, और आर एस अग्रवाल के मैं आपको बता दूं डायरेक्टली क्वेश्चंस भी व्यापम में देखने के लिए मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं आर एस अग्रवाल के व्यापम एग्जाम्स में, ठीक है, तो इस बुक को आप जरूर लगाएं। रीजनिंग कुछ नहीं करना आपको, बस प्रीवियस ईयर पेपर इसमें आपको बार बार रिवाइज करनी है, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। स्कोर करना इन दो में आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जो कंप्यूटर नॉलेज है इसके ऊपर मैं बात करूँ तो लूसेंट की जो नॉर्मल बुक आती है जो सबको पता है सबके पास होगी, उसमें से आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अपना कंप्लीट करके जाइए, आप 90% क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट करके आएंगे कंप्यूटर के, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको लूसेंट की बुक से मिल जाएगा जो सफिशियंट है दोस्तों आपकी इस तैयारी के लिए, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि मैं साइंस सेक्शन पे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ जो सेकंड पार्ट है, तो मैं उसी भी बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पास पहली बात तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि सामान्य विज्ञान यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ तो विज्ञान के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एग्जाम होने वाला है। तो जो सामान्य विज्ञान फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इसमें आपके हर सब्जेक्ट से 3-3, 4-4 क्वेश्चन मिक्स होकर के आएंगे विज्ञान के, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है, तो इस पर बेसिक आएगा जैसा हर कॉम्पिटिशन में आता है, मगर जो सेकंड पार्ट है इसमें आपका एक हाई लेवल पे आने वाला है साइंस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर पोस्ट कोड 1 ले रहे हैं या 02 या 03 ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है स्पेशल जो भी आप बेसिक तैयारी कर रहे थे अभी तक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की बुक हो गई, आपके इंटर की बुक हो गई, 10th, 11th, 12th की बुक हो गई, ठीक है, आप उनसे तैयारी कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो स्कोर हैं इसमें 100% मैं बता रहा हूँ आपके अच्छे स्कोर आएंगे, आप पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे अगर आप अपने बेसिक बुक से तैयारी करेंगे तो दोस्तों, ठीक है।
अदरवाइज अगर आप बेसिक बुक से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, वहाँ से आप जो बेसिक लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, समरी दी रहती हैं, आप वहाँ पढ़ें, उससे भी आपका काम जो है ठीक ठाक हो जाएगा। मगर अच्छा अगर आपको स्कोर करना है तो जो आपकी बेसिक्स हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए आप उनको जरूर पढ़ें, जिनको पढ़ करके आप अभी तक ग्रेजुएशन फील्ड में आए हैं और ग्रेजुएशन में जो आपकी बुक्स चल रही हैं, ठीक है। कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे कि आप एनसीईआरटी यूज कीजिए, जो आप पढ़े हैं 11 ट्वेल्थ में उसको आप यूज कीजिए। और अगर 11 ट्वेल्थ की बुक्स आपके पास नहीं है तो ग्रेजुएशन आपने किया है इन फील्ड से तो आप उसकी भी बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने तैयारी की, कल फिर आप थोड़ा कम टाइम दे पाए, फिर परसों आपने कर दिया, तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि एक तैयारी का जो कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन होती है वो आपकी टूट जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि तैयारी लगातार करनी है, डेली आप अपना 5 घंटे की स्ट्रेटजी जरूर बनाएं, 5 घंटे आप जरूर तैयारी के लिए दें दोस्तों, कम से कम मैं बता रहा हूँ ये, अगर आप वर्किंग है तो, अदरवाइज आपको 7 से 8 घंटे जरूर देने चाहिए अगले आने वाले 1 महीने में, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये है तैयारी पर वीडियोज, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट पे मुझे जरूर बताएं। एक डाउट बच्चों ने बहुत पूछा कि वो फाइनल ईयर में है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्यापम का रूल है लास्ट डेट तक आपके पास आपकी डिग्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं, जिससे हमें क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायरेशन मिलता है, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।